अभी ये घंटी देख ना भाई, घंटी के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा कुतुब मीनार हमने घूम लिया और काफ़ी हद तक जो स्ट्रक्चर पाया गया वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक खम्भा में, यहाँ पर काफ़ी जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सनातन है, इस्लामिक नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, मेरे पीछे भी देखिए आप देख सकते हैं खम्भों में। और हमारे साथ देखिए हमारा छोटा भाई और हमारे मित्र सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे देखने में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो असेंबल किया गया है जो कि प्राचीन स्ट्रक्चर के साथ मेल नहीं खाता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने लाया हूँ आज। आज का यह ब्लॉग जो है इसी के ऊपर है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ छत्तरपुर मंदिर और इसके साथ साथ ही हमारे कुतुब मीनार में। तो चलते हैं आप लोगों को एक नए सफ़र में। पहाड़ों की यात्रा तो बहुत हुई, अब थोड़ा हम शहरों की यात्रा कर लेते हैं। तभी हम बस से जा रहे हैं और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं छत्तरपुर मंदिर। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर के इलाके में, जहां पर बहुत ही शांत एवं स्वच्छ एरिया है। यह दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और आसपास यहाँ पर रोड के दाईं और बाईं और दोनों तरफ मंदिर बहुत ही खूबसूरत एवं इसके आर्किटेक्चर भी बहुत ही बढ़िया है। प्राचीन काल की यह आर्किटेक्चर सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं अभी और भी मंदिर है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को मैं एक और मंदिर मिल जाऊंगा। और सामने आप देख पा रहे हैं बजरंगबली की मूर्ति, यह भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ भी हम जाएंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक राम मंदिर में, वहाँ पर पहले आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, यह है राम मंदिर। बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर और यहाँ की बनावट जो है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी स्वच्छता के साथ ही यहाँ पर सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है और सच में ही यह मंदिर अच्छा है। दोस्तों इस क्षेत्र में एक से एक मंदिर थे जो कि हमने दर्शन किया। अब हम निकलते हैं विष्णु स्तंभ, यानी आजकल जिन्हें कुतुब मीनार कहा जाता है। तो हम कुतुब मीनार की तरफ चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं और इसका यहां पर एंट्री फीस है 35 रुपीज़ ऑफलाइन, और ऑनलाइन है 40 रुपीज़। तो हम टिकट ले चुके हैं, अब हम यहाँ से जो है प्रवेश कर गए कर चुके हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं कुतुब मीनार जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप जब देखेंगे तो आपको खुद के आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सनातन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर विध्वंस करने के बाद जो है कुछ स्ट्रक्चर जो है असेंबल किए हुए हैं। आप अपने आंखों से खुद देख लीजिए और वो भी प्रमाण के साथ। ये घंटी देख ना भाई, घंटी के बाद
अच्छा फोटोज एडिट कर दोगे? हाँ फोटो के साथ एडिट कर दूंगा ना, मेरा फोटो भी है। नीचे भैया खड़े रहो ना, मैं फोटो खींचता हूँ ना आपका भैया। अच्छा वो ऊपर वाला? बात सही है, मस्जिदों में घंटी का क्या काम है? स्टार्ट पापा।